प्रदेश सरकार के द्वारा बस किराया वृद्धि को लेकर स्थानीय जनता के साथ साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध जताया है। हमीरपुर में इस फैसले पर जहां जनमानस ने सरकार के फैसले से आम जनमानस से बसों में सफर करने पर मुश्किलें पैदा करने वाला बताया है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने लोगों को राहत देने की बजाय संकट के दौर में लोगों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों की जेब में डाका डालने के लिए किराया जो है 25% बढ़ा दिया। और जब से ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 50% का किराया जो है सरकार ने बढ़ाया है। आज हम बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ जो है कोरोना की मार लोगों को पड़ रही है, बीमारी से जूझ रहे हैं, जो बड़े उद्योग हैं वो काफ़ी उद्योग बंद हो गए, मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके कारोबार जो प्रभावित होकर शून्य पर पहुँच गए, फाइनेंशियल हेल्थ जो है लोगों की बहुत कमज़ोर हो गई। और वहीं पर लगभग जो आंकड़े बता रहे हैं कि 12 करोड़ नौजवान जो है वो नौकरियों से प्राइवेट सेक्टर में बाहर हो गए। इसमें सरकार को लोगों को राहत देने की ज़रूरत है, राहत देनी चाहिए थी। सरकार उल्टा जो है 25% किराया जो बढ़ाया गया, हम इसकी आलोचना भी करते हैं। और अभी जब तक ये संकट के दौर से, आर्थिक संकट के दौर से, कोरोना के दौर से लोग जो है बाहर नहीं आते, तब तक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जो है राहत देने की बजाय लोगों को उनको प्रताड़ित करने पे, उनको उनकी जेबों में डाका डालने के लिए ये जो काम कर रही है, मुझे लगता है ये गलत है। हम इसकी आलोचना करते हैं और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्योंकि डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में जितना टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने लोगों के ऊपर लगाया है, इतना किसी सरकार ने नहीं लगाया। 820% टैक्स जो है, जो उत्पाद टैक्स जो है, वो डीजल पे लगाया गया है, जो एक रिकॉर्ड है। जब यूपीए की सरकार थी तब जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है $107 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, आज $41-42 है प्रति बैरल है। और दाम देखिए आप कहाँ पहुँच गए, सरकार ने भरकम टैक्स जो है लोगों पे लगाया है। इसकी हम लोग आलोचना करते हैं और सरकार को इस तरीके से नहीं लूटना चाहिए। मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसको किराए को जो बढ़ाया है इसको वापस लें, और जब तक सामान्य हालात नहीं होते हैं तब तक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया ने बस किराए के फैसले को जन विरोधी करार दिया है। महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश जयराम सरकार लगातार जो है वो जनता विरोधी फैसले लेने का काम कर रही है, और हम देखते हैं कि पिछले ही कल कैबिनेट ने बस किराए में 25% की बढ़ोतरी की है, जिसका भारत की जनवादी नौजवान सभा राज्य इकाई कड़ा विरोध करती है। और हम मांग करते हैं कि ये जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के दबाव में जो फैसला लिया है, और ये फैसला बिल्कुल भी जनता के हक में नहीं है। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के चलते सब छोटे से लेकर बड़े जो है वो काम धंधे बंद हो चुके हैं, और इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बस किराए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की थी। और ऐसे दौर के अंदर बस किराया बढ़ाना जो है बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस निर्णय को जो है जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा जो है जनता सड़कों पर आकर जो है आपके इस निर्णय का विरोध करेगी।